हेलो एवरीवन दिस इज़ आशीष यू आर वाचिंग द लीगल इनसेन इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड सेक्शन सेवन ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड दैट बेसिकली टॉक्स अबाउट टेरिटोरियल डिवीजन तो बेसिकली ये सेक्शन टेरिटोरियल डिवीजन की बात करता है मतलब कि किसी भी पर्टिकुलर स्टेट की जो टेरिटरी है उसको डिवाइड करने की बात करता है डिवीज़न करने की बात करता है बेसिकली बहुत ही टेक्निकल सा सेक्शन है अगर आप इसको ध्यान से समझोगे तो ही समझ में आएगा अदरवाइज थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हो जाओगे आखिर समझते हैं कि पहले की डिवीज़न की बात क्यों कर रहे हैं देखो बेसिकली इसका जो मेन पर्पस है इस पर्टिकुलर सेक्शन का वो ये है कि, कि किसी भी पर्टिकुलर स्टेट में कोर्ट्स को स्टैब्लिश कैसे करेंगे जो हमने सेक्शन सिक्स में ये चार तरह के कोर्ट्स पढ़े थे कोर्ट ऑफ सेशंस जुडिशल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास जुडिशल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकेंड क्लास एग्जिव मजिस्ट्रेट्स तो इन पर्टिकुलर कोर्ट्स को स्टैब्लिश करने के लिए ही पूरे स्टेट को कुछ तरीके से कुछ ऐसे तरीके से हम डिवाइड करेंगे ताकि इन कोर्ट्स का हम स्टैब्लिशमेंट कर सके। तो अगर हम इन पर्टिकुलर सेक्शन के सब सेक्शंस को पढ़ेंगे तो हमें सारी चीज़ें अब बहुत ही आराम से क्लियर हो जाएंगी इसमें सबसे पहला बहुत ही जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है सब क्लॉज वन सेक्शन सेवन का सब क्लॉज वन अगर आपको ध्यान से समझ में आ जाता है तो आप बाकी के सारे सब क्लॉज आराम से समझ पाओगे तो सबसे पहले चलिए समझते हैं सेक्शन सब सेक्शन सेवन का सब क्लॉज वन क्या बात करता है देखो सब क्लॉज वन कहता है एवरी स्टेट शेल बी अ सेशंस डिवीजन और शेल कंसिस्ट ऑफ सेशंस डिवीज़न एंड एवरी सेशंस डिवीजन शेल फॉर द पर्पज ऑफ दिस कोड बी डिस्ट्रिक्ट और कंसिस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट ध्यान समझते हैं देखो ये क्या बोल रहा है सेक्शन की लैंग्वेज क्या बोल रही है तो सेक्शन बोल रहा है कि एवरी स्टेट शेल बी अ सेशंस डिवीजन मतलब कि हर एक स्टेट मतलब किसी भी एक पर्टिकुलर स्टेट की अगर बात करें तो वो एक स्टेट होगा क्या सेशन डिवीजन जो स्टेट की हम बात करें जिस स्टेट की हम टेटरी के डिवीज़न की बात करें उस स्टेट की बात करें तो वो कह रहा है कि एवरी स्टेट शेल बी अ सेशन डिवीज़न हर एक स्टेट को हम एक सेशन डिवीज़न मानेंगे और शैल कंसिस्ट ऑफ सेशंस डिवीज़न या तो पूरे स्टेट को हम सेशंस डिवीज़न मानेंगे या उस स्टेट में बहुत सारे सेशंस डिवीजन होंगे इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई छोटा सा स्टेट है तो उस पूरे स्टेट को ही हम सेशंस डिवीज़न बोलेंगे अदरवाइज अगर स्टेट बड़ा है तो उसमें हम बहुत सारे सेशंस डिविज़न बना सकते हैं सपोज कोई नंबर ऑफ सेशंस डिवीजन बना सकते हैं छः दस पंद्रह बीस पच्चीस पचास डिपेंड करता है कि स्टेट कितना बड़ा है जितना ज़्यादा बड़ा होगा उतने ज़्यादा हम सेशंस डिवीज़न उसमें रखेंगे आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया एवरी स्टेट शेल बी अशंस डिविजन और शेल कंसिस्ट ऑफ सेशंस डिवीजन तो उस सेशंस डिविजन से कन्फ्यूज मत हो ना जिस तरीके से हम पर्टिकुलर सपोज करो एक देश है देश में फिर स्टेट होता है स्टेट के अंदर फिर डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं इसी तरीके से हर एक टेरिटरी का डिवीज़न किया हुआ है ना पूरा पहले सपोज करो कि पूरा एक वर्ल्ड है वर्ल्ड में फिर सब कॉन्टिनेंट्स है फिर कॉन्टिनेंट्स में कंट्रीज हैं कंट्रीज में फिर स्टेट्स हैं स्टेट्स में डिस्ट्रिक्ट है ऐसे डिवीज़न क्या हुआ है इसी तरीके से ये लीगल फॉर्मेट में लीगल तरीके से कोर्ट्स को स्टैब्लिश करने के लिए ये यहाँ पर सीआरपीसी में बात हो रही है कि हर एक स्टेट का हम टेरिटरी का जिसका डिवीजन कैसे करेंगे तो इसी तरीके से लीगल टर्म यूज़ किया है सेशन डिवीजनस तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है समझना है ध्यान से एवरी स्टेट शेल बी एशंस डिविज़न और शेल कंसिस्ट ऑफ सेशंस डिवीज़न मतलब कि किसी भी पर्टिकुलर स्टेट की अगर हम बात करें तो उस स्टेट में कोर्ट्स को स्टैब्लिश करने के लिए एक सेशन डिवीज़न हम उस स्टेट में को ही सेशन डिविज़न बनाएंगे और अगर सपोज करो वो सेशन डि स्टेट बहुत बड़ा है तो अगर वो स्टेट बहुत बड़ा है तो उस स्टेट में सेशन्स डिवीज़न बनाएंगे बहुत सारे तो मतलब कि एक स्टेट या तो सेशन डिवीजन होगा या नंबर ऑफ सेशन डिवीजन होगा उसके अंदर अब आगे पढ़ते हैं एवरी डिवीजन शेल फॉर द ऑफ दिस कोड बी डिस्ट्रिक्ट और हर एक सेशन डिवीजन को हम एक डिस्ट्रिक्ट बोलेंगे एवरी सेशन डिवीजन फॉर दिस फॉर द परपज ऑफ दिस कोड बी अ डिस्ट्रिक्ट और कंसिस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट देखो यहां पे भी समझने वाली बात है सपोज करो कि सेशन डिवीजन भी बहुत बड़ा एरिया है तो सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट से काम नहीं चलेगा उस सेशन डिवीज़न को सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट नहीं बोलेंगे हम हम उस सेशन डिवीज़न में भी बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट बना सकते हैं इसका मतलब देखो ध्यान से समझने वाली बात यह है कि सपोज करो कि एक बड़ा सा राउंड है उस पूरे राउंड को आप मान लो स्टेट अगर वो राउंड छोटे साइज में है उसमें पॉपुलेशन कम है एरिया कम है तो हम उसी पूरे राउंड को सेशन डिवीज़न बोल सकते हैं बट अगर वो राउंड बहुत बड़ा है उसमें पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो हम उसी राउंड को में छोटे छोटे और राउंड्स बना लेंगे और उन छोटे छोटे राउंड्स को हम बोलेंगे सेशंस डिवीज़न ठीक है अब इन छोटे छोटे राउंड्स को हम सेशन डिविजन्स बोलेंगे और इन्हीं राउंड्स को फिर हम बोलेंगे डिस्ट्रिक्ट बट अगर ये राउंड छोटे वाले राउंड्स भी अगर साइज में बड़े हैं तो इन छोटे छोटे राउंड्स में भी हम और छोटे छोटे स्मॉल राउंड्स बनाएंगे उनको हम बोलेंगे Uh, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट समझ में आ रही है बात तो इन छोटे छोटे राउंड बोलेंगे डिस्ट्रिक्ट तो आई होप यू हैव गॉट इज दिसन एवरी स्टेट डिवीजन शेल कंसिस्ट ऑफ सेशन डिविजन और एवरी सेशन डिवीजन शेल फॉर दर्पज ऑफ दिस कोड बी अस्ट्रिक्ट आई होप यू हैव गॉट द पॉइंट अब इसमें एक प्रोवाइजो भी है अब ये प्रोवाइजो क्या कह रहा है इसको भी समझ लेते हैं एवरी प्रोवाइडेड दैट एवरी मेट्रोपोलिटन एरिया शैल फॉर द सेड पर्पज बी अ सेपरेट सेशन डिविजन एंड डिस्ट्रिक्ट मान लो उस स्टेट में कोई एक पर्टिकुलर एरिया है जिसको मेट्रोपोलिटन एरिया हमने बनाया हुआ है मेट्रोपोलिटन एरिया क्या है एक नया देखो टॉपिक है इसको हम दूसरे सेक्शन में समझेंगे एक सेपरेट सेक्शन है इसका नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे बट अभी समझ लेते हैं कि अगर किसी पर्टिकुलर स्टेट में कोई मेट्रोपोलिटन एरिया है तो उस पूरे मेट्रोपोलिटन एरिया को ही हम सेशन डिवीजन बोलेंगे प्रोवाइडेड दैट एवरी मेट्रोपोलिटन एरिया शैल बी अ सेपरेट सेशन डिवीजन एंड डिस्ट्रिक्ट मतलब वो सेशन डिवीज़न होगा और वो डिस्ट्रिक्ट भी होगा अब देखो दोबारा यहाँ पर सब क्लोज वन अप्लाई कर सकते हो आप कि वो सेशन डिवीजन होगा और उसमें उसी मेट्रोपोलिटन एरिया में अगर वो मेट्रोपॉलिटन एरिया बहुत बड़ा है तो उसमें हम बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट भी बना सकते हैं गेटिंग द पॉइंट सो प्रोवाइजो क्या कह रहा है कि दैट दैट प्रोवाइड एवरी मेट्रोपोलिटन एरिया शैल बी अ सेपरेट सेशन एंड डिस्ट्रिक्ट आई होप यू हैव गॉट द पॉइंट अब हम समझते हैं इसका सब क्लॉज टू क्या कह रहा है सब क्लॉज टू कह रहा है द स्टेट गवर्नमेंट में आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट ऑल्टर द लिमिट्स और द नंबर ऑफ सच डिविज़न्स एंड डिस्ट्रिक्ट मतलब कि स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट से कंसल्ट करके इन सेशन डिवीजन के नंबर्स को या इनके एरिया की लिमिट्स को ऑल्टर कर सकता है बदल सकता है नंबर्स बदल सकता है चाहे वो एक स्टेट में 10 से 15 कर दे 15 से 20 कर दे 20 से 25 कर दे या इनके एरिया को डिवाइड कर दे ये देखो स्टेट करता है अगर जनरली पूछते हैं क्वेश्चन कि कौन कर सकता है तो स्टेट करेगा हाई कोर्ट नहीं करेगा स्टेट करेगा स्टेट हाई कोर्ट की कंसल्टेशन के साथ करेगा ठीक है आप समझते हैं सब क्लॉज थ्री सब क्लॉज थ्री बोलता है द स्टेट गवर्नमेंट में आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट डिवाइड एनी डिस्ट्रिक्ट इन टू सब डिवीजनस एंड मे ऑल्टर द लिमिट्स ऑफ द नंबर ऑफ सच सब डिवीजनस मतलब कि जो ये छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट बनाए थे इन डिस्ट्रिक्ट को भी सब डिविजन्स में जो है कन्वर्ट कर सकता है अभी सब डिवीजन वर्ड क्या आ गया देखो नया वर्ड आ गया सब डिवीजन इसको भी समझेंगे बाद में बट अभी फिलहाल सिर्फ आप इसको टेक्निकल टर्म में आप इसको सिर्फ समझो कि पूरा का पूरा जो स्टेट होगा वो एक सेशन डिवीज़न होगा या छोटे छोटे सेशंस डिवीज़न में हम पूरे स्टेट को बांट लेंगे और उन सभी सेशंस डिवीज़न को हम डिस्ट्रिक्ट बोलेंगे या उन्हीं सेशंस डिवीज़न में हम छोटे छोटे और डिस्ट्रिक्ट बना लेंगे ये सब क्लॉज वन कह रहा है प्रोवाइजो में कह रहा है कि मेट्रोपोलिटन एरिया को हम सेशन डिवीज़न बोलेंगे और डिस्ट्रिक्ट भी बोलेंगे या उसी मेट्रोपोलिटन एरिया में हम छोटे छोटे और जो है डिस्ट्रिक्ट बना लेंगे ये प्रोवाइजो था सब क्लॉज टू कह रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट में विद द कंसल्टे हाई कोर्ट ऑल्टर द लिमिट एंड नंबर ऑफ द सब सच डिवीजन एंड डिस्ट्रिक्ट भी क्लियर हो गया आगे समझते हैं थर्ड कह रहा है द स्टेट गवर्नमेंट में विद द कंसल्टे हाई कोर्ट डिवाइड द डिस्ट्रिक्टिविजन्स एंड ऑल्टर द लिमिट एंड नंबर ऑफ सच सच सब डिविजन्स ये भी क्लियर हो गया फोर्थ क्या कह रहा है द सेशन डिविजन डिस्ट्रिक्ट एंड सब देखो ये तीनों जो वर्ड हमने अभी पीछे पढ़ते हुए चले आ रहे हैं Sessions division, डिस्ट्रिक्ट एंड सब existing एग्जिस्टिंग इन state स्टेट एट द of ऑफ दिस कोड अब ये इस सी आर पी सी के बनने से पहले ही अगर किसी स्टेट में sessions division, डिस्ट्रिक्ट और सब पहले से ही बने हुए हैं तो ये कोड कह रहा है दे शैल बी डीम्ड टू हैव बीन फॉर्मड अंडर दिस सेक्शन इसका मतलब ये हुआ कि अगर ऑलरेडी ये चीज़ें बनी हुई हैं इस कोड के बनने से पहले अगर कोई चीज़ें बनी अगर ये तीनों चीज़ें पहले ही बनी हुई हैं तो ऐसा माना जाएगा कि वो इस कोड के अंदर ही बनी थी आई होप यू हैव गॉट द पॉइंट तो दिस वॉज ऑल द सेक्शन सेवन दैट वॉज टॉकिंग अबाउट टेरिटोरियल डिवीजन। आई होप आपको इस पूरा सेक्शन समझ में आ गया मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू वेरी मच टेक बाय